नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। महाराष्ट्र के पालघर में दो संतों और उनके ड्राइवर की निर्मम हत्या के बाद अब एक और संत पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। ये हमला पंजाब के होशियारपुर में स्वामी पुष्पेंद्र स्वरूप के ऊपर हुआ है, जिसके बाद लोगों में गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। मास्क पहने हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला किया है। स्वामी पुष्पेंद्र स्वरूप पर हमले के बाद अलवर से बीजेपी के सांसद योगी बालकनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस हमले पर सोनिया गांधी से सवाल पूछा है कि आखिर कांग्रेस शासित राज्यों में साधु संत सुरक्षित क्यों नहीं है। योगी बालकनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पालघर के बाद अब पंजाब के होशियारपुर में स्वामी पुष्पेंद्र जी पर चाकुओं से हमला हुआ। क्या सोनिया गांधी बताएंगे कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में मेरे सन्यासी सुरक्षित क्यों नहीं? आपको साधु संतों से क्या दिक्कत है? तो वह योगी बालकनाथ के ट्वीट पर कई तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। किसी ने संतों पर हमले के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है, तो किसी ने संतों की सुरक्षा के लिहाज से अध्यादेश की मांग की है। भारत सिंह सेंगर लिखते हैं कि आप सांसद हैं, योगी भी, आप चाहें तो प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं। अगर कोई साधुओं पे हमला करे तो उसे फांसी हो। जब डॉक्टरों के लिए अलग से अध्यादेश लाया जा सकता है जो कि गलत नहीं है, तो साधु संतों के लिए क्यों नहीं? जो लोग इसका विरोध करेंगे जनता के सामने उनकी पोल भी खुल जाएगी। पंकज लिखते हैं कि पंजाब के होशियारपुर में स्वामी पुष्पेंद्र जी पर चाकुओं से जानलेवा हमला हुआ, आखिर कांग्रेस के राज्य में हमारे साधु संत सुरक्षित क्यों नहीं है? एक ने लिखा कि देश में एक ऐसा कठोर कानून आना चाहिए जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान होना चाहिए। देश के विरुद्ध नारे लगाने वालों पर, देश के अंदर दूसरे देश के झंडे फहराने पर, देश में आग लगाने वालों पर, पत्थरबाजों पर, देश में आंदोलन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नष्ट करने वालों पर। तो वह जीत नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि मुझे ऐसा लगता है कि जहां जहां इनकी सरकार है वहां से हिंदुओं को डराकर या मारकर दबा दिया जाए ताकि वो दोबारा किसी और को चुनकर ना ले आए। कांग्रेस की कुर्सी के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो इस तरह से लोगों ने संतों पर हो रहे हमलों को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि 24 अप्रैल की रात तकरीबन 10 बजे स्वामी पुष्पेंद्र स्वरूप होशियारपुर स्थित आश्रम में विश्राम कर रहे थे, तभी दो लोग दीवार फांदकर आश्रम में घुसे और स्वामी जी पर हमला कर दिया। उस वक्त स्वामी पुष्पेंद्र आश्रम में अकेले थे। घायल अवस्था में स्वामी पुष्पेंद्र स्वरूप को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान पुलिस को बताया कि उन अज्ञात हमलावरों ने उनके हाथ पांव बांध दिए, उनका गला भी दबाया, फिर हमला करके उन्हें घायल कर दिया और आश्रम से 50,000 रुपए और कुछ अन्य सामान लेकर फरार हो गए। जिस तरह से संतों पर लगातार हमला किया जा रहा है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।